शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए कहीं माँ बाप या उसका परिवार जो गर्भ के टाइम पे अपने शिशु की सही देखभाल नहीं कर पाना, और मान लीजिए वो जब बच्चा पैदा होता है तो उनके लालन पालन के जो तौर तरीके थे, खाने पीने रहने, यदि उसके कारण ये मृत्यु दर बढ़ी रहती है, तो उसको कमी करने के लिए उनके लिए कुछ आपने सोचा कि वो गर्भवती जो महिलाएं हैं, खासतौर से वीकर सेक्शन की या मिडिल क्लास फैमिली की, जो अपने बच्चे को लेके या अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बड़े लापरवाह होते हैं, और उनका भी इशारा होता है, हमने उसमें ये बताया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात हम लोग कह रहे हैं। ट्रैफिक का स्लोगन आपने, ट्रैफिक का स्लोगन है कि एक मिनट के लिए भी 9 महीने का जो प्रसव का अवसर है, इसमें माताओं को सारी बातें बताने की हमने आशाओं को जिम्मेवारी दी, एनएम्स को जिम्मेवारी दी। तो व्यवस्था हम लोग ये कर रहे हैं कि 9 महीने की अवधि में उस माता को इतना परिपक्व कर दें, इतना प्रशिक्षित कर दें कि प्रसव से संबंधित समस्त खतरों को, वो समझ रहे एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो माता की मृत्यु हो सकती है, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो माता की कठिनाई और मृत्यु तक हो सकती है, समय पर परिवहन करके अस्पताल में नहीं जाने में विलंब होता है तो उससे मृत्यु हो सकती है, असुरक्षित गर्भपात कराने से मृत्यु हो सकती है। तो ये सारी जो खतरे की निशानी है, उन खतरों को हम प्रत्येक माता को आगाह कर रहे हैं घर में जा जाके। उसी तरह शिशु बचाने की जो प्रक्रिया है, अगर 1500 ग्राम से बच्चा कम है तो उसे क्या करना है, तत्काल क्या करना है, ये सब बातें हम बता रहे हैं, और हर घर के हर माता को, हर पुरुष को, हर महिला को ये बात हम पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लगभग राज्य में 24 से 25 लाख माताएं प्रसव में रहती हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि इन 25 लाखों को ये बात स्पष्ट उनको जाके लिखित में पिक्टोरियल्स के माध्यम से, समझाइश के माध्यम से समझा दें, और फिर पूरे 9 महीने तक उसमें हम 4 बार उनकी जांच करें, जिससे कि सारी बात हो रही नहीं इसकी भी जांच करें। तो मतलब हम प्रयास करें तो फुल प्रूफ सुरक्षा, सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु और नियोजित परिवार। इसलिए नहीं कि कोई हमारा लक्ष्य पूरा करना है, हमें इसका लक्ष्य नहीं है, समाज का ये लक्ष्य है, समाज से इसकी मांग आनी चाहिए, और जो समाज अपनी स्वस्थ के प्रति सचेत होता है तो ये कम्युनिटी का हम लोग मोबिलाइजेशन का काम शुरू किया, साइकिल रैली है, मशाल जुलूस, हर गाँव में साइकिल रैली निकलती है, आशा रैली निकालती है, गाँव के सरपंच पंच की रैली निकाल रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की। जरूरी नहीं कि रैली का मतलब ये नहीं कि किसी मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो माता की इससे मृत्यु हो सकती है ये बात बता रहा है। अगर खून की कमी, अभी 3 हीमोग्लोबिन की महिला हमें मिली डिंडोरी में, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी गाड़ी में बिठा के लाए और फिर उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, अब वो माता स्वस्थ हो जाएगी, 3 महीने में उसका हीमोग्लोबिन, हर महीने हम उसको मॉनिटर करेंगे, अगर उसे हम छोड़ दिए रहते तो प्रसव के पूर्व उसकी निश्चित मृत्यु, निश्चित। तो ये ऐसे उदाहरण डिंडोरी से और झाबुआ से आदिवासी लोगों में, गाँव गाँव में चेतना हो गई कि भाई खून की जांच कराओ, हीमोग्लोबिन तो शायद मुद्दा समझे लेकिन खून की जांच बड़ा मोटा शब्द समझ रहे हैं, झटका हो, ब्लड प्रेशर से झटका आता है, तो झटका आ रहा है मतलब ब्लड प्रेशर, ये बात उन्हें बता रहे, उसकी सरल एक टैबलेट खा लीजिए ठीक हो जाए। तो गाँव गाँव में हम लोगों ने ब्लड प्रेशर मशीन, हीमोग्लोबिन नापने की मशीन, वेट लेने की मशीन, और इसको दूर करने की दवाइयां IFA आयरन सुक्रोज टैबलेट बोरों में भर के रखा दिया, और आशा और एनएम को प्रशिक्षित कर दिया कि भाई तुम ये दवाइयां माताओं को गांव में ही दे दो, जांच करो दे दो। तो देखिए इससे बारे में सुधार आ जाता है कि जब किसी की दुकान ज्यादा चलने लगे, मतलब आर्थिक रूप से प्रगतिशील है, तो इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेजों, मतलब सरकारी जो अस्पताल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक विकास केंद्र है, इन सब में बड़ी दुकान चल रही है स्वास्थ्य विभाग की कि लोग मरीज आ रहे हैं, विश्वास बढ़ा है, और ये सब चिकित्सक और उनके और ऐसे निजी चिकित्सकों को और नर्सिंग होम को या झोला छाप डॉक्टर जो थे वो कहीं ना कहीं अब असुविधा महसूस करने लगे हैं। नहीं जी, उनका अपना काम है, वो अपना काम करें, सही काम करें, वो अपने सही तरीके से अपना काम करें, और हमें जो दायित्व है सामान्यतः ऐसे तबके के लिए जो वो सुविधाएं नहीं ले सकता है, तो हम अपना काम सुधार लेंगे तो समाज में सुधार, जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की बिगड़ी है, तो अभी पहले 2-4-5 सीढ़ियां हमने चढ़ दी है, अभी कई सैकड़ों सीढ़ियां और चढ़ दी। आपका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि फ्री दवाई, पैथोलॉजी जांच, बड़े आए कि ये हो ही नहीं सकता, ये सपना था, लेकिन आज उस सपने को लोग यथार्थ में होता हुआ देख रहे हैं। तो पहली बार आपके प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है और लोगों की
आपके से आशाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। आशाएं बढ़नी चाहिए, ये पूरी टीम है, ये पूरा जो राज्य शासन की पूरी टीम है जिसके लिए मैं ये पूरी व्यवस्था कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सही बात यही है कि हमारा जो स्वास्थ्य आयुक्त है, हमारा जो मिशन डायरेक्टर है, जो हमारे सिविल संचालक हैं, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, सभी सिविल सर्जन हैं, BMOs हैं, DPMs हैं, प्रबंधन इकाइयाँ हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जब तक ये पूरा अमला, मेरा बस ये काम है कि इनकी सभी की कठिनाइयों को मैं अपने पास रखता हूँ और इनकी सारी जो इनकी जो अर्जित सफलताएं मैं इनको दे देता हूँ। अर्जित सफलताएं आपकी है, कठिनाइयां मेरे पल्ले छोड़िए, मैं उनसे जूझता रहता हूँ। इससे मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़े उत्साहित होकर काम कर रहे हैं। शायद यही एक कारण है कि आप दूसरों की कठिनाइयां स्वयं ले लेते हैं और सफलता का श्रेय उन्हें दे देते हैं। तो आपके सही भी है, सही भी है, ये सही भी है क्योंकि मेहनत तो वही कर रहे हैं, परिश्रम वही कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्यूटी वही कर रहे हैं, मरीजों का इलाज वही कर रहे हैं। बस मैं तो उन्हें प्रेरित कर रहा हूँ कि करते रहो, हम आपके साथ हैं और आपकी फिर कोई कठिनाई नहीं होने देंगे। तो बस ये ईश्वर का नाम लेके काम चलते रहे। EMS के स्टूडियो में आप आए, आपने इतनी अच्छी सार्थक चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य पूरे करें और लक्ष्य को लक्ष्य से आगे प्राप्त करें, ये हमारी मंगल कामना है आपको, क्योंकि इससे लोक हित जुड़ा हुआ है। और आप एक बिल्कुल सही कहा कि ये स्वास्थ्य ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत है, ये लोकहित का विषय है और इस लोकहित विषय को हम अनदेखी कर ही नहीं सकते। अनदेखी करेंगे तो फिर हम अपने कर्तव्यों का क्या अनदेखी कर रहे हैं। ये बात मैं सबसे कहता हूँ कि एक ऐसी समस्या है जो हर परिवार में है, हर दिन है, हर घंटे है, तो हमें हर घंटे मुस्तैद रहना पड़ेगा और इसके लिए 24 घंटे दिन छोटा पड़ता है। मैं EMS की तरफ से धन्यवाद आपको इसलिए भी देना चाहता हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों का जितना बेहतर उपयोग करके आपने अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सतत संपर्क बनाकर एक व्यवस्था में जो सुधार किया है, मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक पहला प्रयोग है और इसको आपने मतलब अपने एक विश्वास जो अपने अधीनस्थों के बीच में पहुँचा के और इस व्यवस्था को लागू किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी कार्य अभी प्रारंभ हुआ है, अभी अगले 1-2 वर्षों में ये बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अभी कठिनाइयाँ और समस्याएं को चुनौतियों और समाधान से हम लोग ठीक करते जाएंगे और ऐसा ईश्वर का सभी हमारे जो टीम हेल्थ है वो प्रतिबद्ध है और हमें पूरा विश्वास अच्छे परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।